नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसा है? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चे लोग, कई दिनों से मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे, जब से मैंने 12 चालू किया, एक से डेढ़ महीने से, इससे पहले भी आते थे पर मैं उसको इग्नोर कर देता था, पर ये डेढ़ महीने से मैसेजेस लगातार हमारे व्हाट्सएप पे आते रहे और कमेंट वगैरह भी थे कि सर मैं किसी और जगह पढ़ रहा हूँ, हिंदी मीडियम पढ़ रहा हूँ, कोई गाँव में है, कोई यहाँ दूर दराज गाँव में है, वैसे बच्चे जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं या आ नहीं पाएंगे। तो कई ऐसे बच्चे हैं और जो यहाँ पढ़ भी रहे हैं इस सीतामढ़ी में, वो भी कई बच्चों ने ऐसा ये मुझे ये बोला कि सर हिंदी मीडियम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है, हिंदी मीडियम को थोड़ा इग्नोरेंस होता है, इग्नोर मिलता है। उसके बाद कई बच्चे बाहर भी, तो वो भी ये कहते हैं कि सर हिंदी मीडियम की क्लासेस सही से हो नहीं पा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत कम बुक अवेलेबल है, न्यूमेरिकल नहीं बन पाते हैं, ऑब्जेक्टिव सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब कई ओवरऑल फिजिक्स में समस्याएं हैं जो उनके सामने सीधा सीधा आ रहा था। तो उन्होंने लगातार मुझसे अप्रोच किया, तो मैंने उनसे सिंपल से बात बोला कि बेटा सभी बच्चों के लिए संभव नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेज में आप आकर के पढ़ सको, तो इसके लिए ही एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की आवश्यकता थी। तो आज सीतामढ़ी की धरती से पहली बार एक क्रांति हम लोग आने जा रहे हैं कि वो क्रांति क्या है, धैर्य रखिए, मुझे भी पता है कि आपको बड़ा एक्साइटेड होगा, धैर्य रखिए। तो क्लास 12 के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान का आज हम लोग ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि क्लास 12 के जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर वो फिजिक्स यानी भौतिक भौतिक पढ़ना चाहते हैं, तो भौतिकी को पढ़ने के लिए आप सभी लोगों को आज कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इस क्लास को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, हाँ जी, ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं और वो भी फ्री। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक रुपया आपको कहीं खर्च नहीं करना है, बिल्कुल ना किसी ऐप पे जाना है, ना कुछ परचेज करना है, बिल्कुल आपको सब कुछ यहाँ यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला है। आप इस कंटेंट को एकदम समझिए, ऑफलाइन क्लास की तरह आपका ऑनलाइन क्लास में फील आने वाला है, ठीक है? तो बच्चे लोग, आप जी हाँ बिल्कुल, कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप घर पे बैठे बैठे इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप सभी लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए कि ये आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील आपको देगा, बिल्कुल सारी स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या होगी, तो मैं जरा एक बार इसको रिवील कर देता हूं, ठीक है? तो सभी लोग जरा इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चे लोग कि क्लास 12 फिजिक्स के लिए हम लोग हिंदी मीडियम बैच ओपन कर रहे हैं। कौन से मोड में? तो इसका मोड होगा ऑनलाइन, ठीक। पर्पस क्या है इसकी, इसको खोलने के पीछे मोटो क्या है? तो इसका मोटो है बच्चे लोग, इसका मोटो है बीएससीबी बिहार बोर्ड बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लोग इसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये मोड ऑनलाइन होगा, लेकिन पूरा फील कैसा आएगा वो ऑफलाइन वाला, ठीक। सर ये कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये कल से ही, यानी सोमवार से ही ये बैच क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? बैच स्टार्टिंग डे, ठीक है ना, सोमवार से ही। सर ये खत्म क्या होगा, कब होगा? तो बैच का जो एंड है वो होगा 15 नवंबर 2023 में ये खत्म हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा, खत्म, ठीक है? तो आप कहिएगा सर 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे क्या हम? तो सुन लीजिए, 15 के बाद 16 दिसंबर से, ठीक है ना, हम लोग 16 नवंबर से 16 जनवरी तक, मतलब कि 2 महीने का टाइम हमारे पास बचता है, उसमें हम लोग रिवीजन सीरीज चलाने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, जिसको क्रैश कोर्स भी आप कह सकते हैं, रिवीजन सीरीज भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग क्लास 12 के हिंदी मीडियम का एक तो मेन बैच पहले खत्म करेंगे, मेन बैच के बाद हम लोग 2 महीना कस के पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। इसके बाद 15 जनवरी से जब तक, क्योंकि अधिकतर चांसेस है कि फरवरी के पहला हफ्ता में आपका हो जाता है, तो एक तो टेस्ट चलते रहेगा, लेकिन ये 16 जनवरी से पूरा जब तक आपका फाइनल एग्जाम न हो रहा है तब तक हम लोग डेली टेस्ट देंगे, टेस्ट सीरीज एकदम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक। अब इतना के बाद बताइए, आपका 95 नंबर नहीं आएगा तो किसका आएगा भाई, ठीक है? तो अब सवाल है कि सर एक तो ये हुआ, टाइमिंग क्या रखिएगा? तो बच्चे लोग डेली आपकी जो क्लास चलेगी, ठीक।
ठीक है, वो कैसे कब से चल के चलेगी, तो 7 PM इवनिंग से क्लास चलेगी। ठीक है, अब देखो दिन क्या क्या होंगे, तो आपको मंडे यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक क्लास चलेगी। ठीक, शनिवार को टेस्ट होगा, शनिवार को टेस्ट होगा और रविवार को रेस्ट होगा। ठीक है, रेस्ट भी जरूरी है, ये टेस्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिए डेली क्लासेज में क्या क्या है, तो सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेज होगी, शनिवार को टेस्ट होगा प्रत्येक शनिवार को, और संडे को यहां पर क्या होगा, रेस्ट होगा। पढ़ाएंगे कैसे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 7 बजे आप सभी लोगों को 7 PM में पहले लेक्चर को अटेंड कर लेना है, लेक्चर को देख लेना है। ठीक, लेक्चर को देखने के बाद आप सभी लोगों को नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। एक बार पहले आप बैठकर लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर जब दिख जाए उसके बाद आप नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे, वापस उसको चालू कीजिए फिर से और अब कॉपी पर लिखना चालू कीजिए। एक बार समझना है, एक बार लिखना है, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको DPP मिलेगा। DPP का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा बौद्धिक वैद्युत आवेश क्या है, तो जब हम लोग वैद्युत आवेश पढ़ेंगे तो उसपे हम लोगों को क्वेश्चन भी मिलना चाहिए, बिल्कुल DPP मिलेगा। DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली आपको पेपर मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के अलावा 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के अलावा 5 मार्क्स जितना भी उस दिन का होगा यह आपको मिलेगा, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो आप पहले खुद बनाएंगे और फिर इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन आज का सॉल्यूशन कल वाले मिलेगा, कल का सॉल्यूशन परसों वाले मिलेगा, ताकि एक दिन आपको पूरा फोकस्ड रहे। उसके बाद सुनिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिया जाएगा, 2 मार्क्स वाले है भी, 5 मार्क्स वाले है, मतलब कि साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक यानी बिहार बोर्ड की तैयारी भी चलती रहेगी। जब आपका चैप्टर इंड होगा तो एक वैसे हफ्ता में तो टेस्ट होते रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लेकिन जब चैप्टर इंड होगा तो इसके बाद आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स सभी आपको मिलेंगे। ठीक, अब इस कंबाइंड टेस्ट के बाद आप लोगों को उससे पहले NCERT सॉल्यूशन कराया जाएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, लास्ट में आपको सब्जेक्टिव का सीट मिलेगा जब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा फिर से। तो इतनी सारी चीजों के बाद मुझे पक्का यकीन है, कई सालों से आंख तरस गया ये चीज देखने के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप में आता, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं टॉप आ रहा है, क्योंकि हमें लगता है हम ही लोगों में कमी है, हम ही लोग सही से नहीं उसको डील कर पा रहे हैं। तो बच्चे लोग, आप लोग कभी मासूम है, मेहनत करने के लिए तैयार है, और अगर तैयार है तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और हम लोग मिलकर इस बार इतिहास रखने की कोशिश करेंगे। क्या इतिहास रखेंगे, तो 70 में 35 पचनमरी आपको बनाना होता है, और मेरा इस बार चांस है कि आप 35 में 35 बना के लाओ। इस बार हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि 35 का 35 ऑब्जेक्टिव बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब वहां कोई गलती कर बैठे तो अलग बात है, पर आपकी कैपेसिटी उतना हम करके भेजेंगे। उसके बाद 20 गोदुरमड़ी पूछता है, 10 गोदुरमड़ी बनाना है, उम्मीद है कि आप 10 के 10 बना के आओगे, इतना हम बिल्कुल आपको करवा देंगे। और आप कहिएगा कि हाँ भाई, करवाने का मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आ जाएगा, तो बोलोगे ना कि हाँ भाई इतना आ गया, मैंने लिखा है नहीं लिखा वो तो आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 6 में से 3 पचनमरी, ठीक है ना, 3 पचनमरी आपको मिलेगा, तो उसमें से तीनों के तीनों आप बना के लाओगे, मतलब मैं आपको पूरा 70 में 70 की गारंटी लेता हूं, आप इसमें से कितना लिख पाओगे वो देख रहा है। तो पूरा उम्मीद है इस बार 65 तक मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम 65 तक आना चाहिए, और प्लस आपका 30 अगर दे दिया ना तो 95 पहुंचा देंगे अगर प्रैक्टिकल दे दिया तो बिल्कुल हम लोगों का लक्ष्य है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन पहले अभी पढ़ाई स्टार्ट होनी चाहिए। तो जो बच्चे भी क्लास 12th के हिंदी मीडियम के बच्चे हो, अगर आप नहीं हो और आपके दोस्त भी कोई हो, तो उन्हें जरूर लिंक शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगले क्लास में लेक्चर और पढ़ाई के साथ, फिर आप देख के बताना कि हाँ आपको क्या लगता है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप नॉट कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके जो स्टडी पैकेज है उसका लिंक यहीं पे आएगा। ठीक है ना, मेरे पास ऐप भी है, पर मैं ऐप आपको डाउनलोड इसलिए नहीं करवाना चाहता हूं क्योंकि वहां हो सकता है आपको लगे कि परचेज करना पड़ेगा, इसीलिए सब कुछ फ्रीली आपको अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उस प्लेलिस्ट में हर दिन वीडियो आ जाएगा और आप हर दिन उसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल लेक्चर के साथ। तो चलिए इस क्रांति का हिस्सा बनिए और हम लोग जरूर एक 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 शिक्षा जगत में एक छोटे शहर से भी क्रांति की शुरुआत करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।